स्वागत है आप सभी लोगों का भाई ज्यूरिख में, स्विट्जरलैंड में। और आज है पहला दिन, एक्सप्लोर करने बाहर निकलते हैं। कल हम थोड़े थके हुए थे तो भाई अभी तो बज गए 11, पर कोई नहीं, 6-7 बजे तक यहाँ पे, 6 बजे तक तो शायद लाइट रहती है थोड़ी थोड़ी, और फिर उसके बाद भी नाइट में भी देखने मज़ा ही आएगा भाई। स्विट्जरलैंड का तो कुछ भी मिस नहीं कर सकते, नाइट दिन शाम वाम कुछ भी मिस नहीं कर सकते। तो हम अभी देख रहे थे भाई, पास में सबवे है, तो मैंने कहा एक बार ऑनलाइन रेट चेक कर लेता हूँ सबवे का कितना है। तो भाई हमने जब ऑनलाइन रेट चेक किया तो हमारे दिमाग में एक चीज आई, पंजाबी कितना था ऑनलाइन रेट? 15 15 फ्रैंक, 16 फ्रैंक, सोलह सोलह फ्रैंक 16 फ्रैंक 30 इंच फुट वाल 30 सेंटीमीटर फुट लॉन्ग वाले लॉन्ग। का, तो मतलब वो होते हैं 1500 रुपये, जो इंडिया में मिलता है 300 रुपये का। तो कल उसने बनाया था, पंजाबी की कल तबीयत खराब थी तो उसने तो खाया नहीं था, मेरा थोड़ा बच गया था। मैंने कहा भाई सबवे से अच्छा इसी को गर्म करने में समझदारी है, चाहे कैसा भी हो थोड़ा कम गर्म हो जाएगा, पर 1500 रुपए के बर्गर से तो अच्छा ही होगा। तो भाई स्वागत है आप सभी लोगों का ज्यूरिख में। हम हैं एयरपोर्ट के पास ही रुके हुए थे, हम रुमलांग करके गांव कह सकते हो, गांव टाइप है। यहाँ से मेन स्टेशन जाएंगे, मतलब मेन ज्यूरिख स्टेशन, जैसे नई दिल्ली स्टेशन होता है वैसे ही, मतलब मेन ज्यूरिख का स्टेशन। यहाँ से हर 10-15 मिनट में ट्रेन चलती रहती है और 20-1 मिनट में पहुँचा देती है। तो आज का देखते हैं कौन सी का टिकट विकट लेते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ सोच समझ के करनी पड़ेगी। पहला देश है इज़राइल, मतलब जो टेल अवीव सिटी है उसको दुनिया की सबसे महंगी सिटी का अवार्ड मिला है इस साल, और ज्यूरिख सेकेंड नंबर पर है। पर मेरे को टेल अवीव में इतना डर नहीं लगा था भाई कि पैसे सोच समझ के खर्च करने हैं, मैंने वहाँ पर बहुत खुला खर्चा किया था। पर यहाँ पे जब से मैंने देखा है कि भाई ये प्राइसेस हैं, तो हर चीज़ सोच समझ के, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हम कर नहीं सकते खर्चा, पर थोड़ा दिमाग से खर्चा करोगे थोड़ा कम खर्चा होएगा। तो हम ब्रेकफास्ट घर से करके आ गए और अब जा रहे हैं हम स्टेशन तक जहाँ पे कल हमको बस ने उतारा था, और वहीं से हम चलेंगे ज्यूरिख मेन स्टेशन पे। वहाँ पे इसका दोस्त मिलेगा, द पंजाबी वंडरर का दोस्त, ठीक है अब ठीक है क्या ठीक है। तो भाई वो मतलब वो बंदा तो है, मतलब इंडियन दिखने जैसा, पर उसके पापा हैं। उसकी कहानी क्या मुझे बताई थी, मेरे को मतलब था वो इंडिया में पुष्कर में, मैं घूम रहा था राजस्थान में, तो वहाँ दिखा मैं यार लग रहा है पंजाबी, इसने कड़ा पहना है, उसका नाम भी अलविंदर। मैंने कहा भाई कहाँ तू कहाँ, वो हिंदी नहीं बोल पा रहा। मैंने कहा भाई कहाँ, कह रहा नो ब्रो आई एम स्विस। तो मैंने कहा स्विस, तो बोला मेरे पापा पंजाब से घूमने ऐसे निकल गए, जैसे निकलते थे ना लोग वैसे निकल जाते हैं, वो स्विट्जरलैंड में पहुँच गए। कह रहा वहाँ मेरी मम्मी को पसंद आ गए पापा मेरे और उनकी शादी होगी, कह रहा फिर मैं हो गया। तो वो स्विस बंदा है लेकिन उसका नाम अलविंदर है, पंजाबी है, कड़ा वड़ा सा पहन, दाढ़ी वाड़ी बिल्कुल लगेगा जैसे शक्ल से, पर वो हिंदी भी नहीं बोलता ना, वो बोलेगा इंग्लिश जर्मन या जर्मन। चलो चलते हैं देखते हैं कैसा क्या रहता है पहला दिन स्विट्जरलैंड में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं अपनी ट्रैवल बुकिंग्स के लिए कौन सी ऐप यूज करता हूं, तो वो है वीगो ऐप। वीगो एक ग्लोबल ट्रैवल ब्रांड है और इसकी सर्विसेज वेरियस करेंसीज और लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। वीगो स्पेशली तब काम आता है जब आपको बुक करनी होती है इंटरनेशनल फ्लाइट्स या फिर इंटरनेशनल होटल बुकिंग्स, क्योंकि ये कंपेयर करता है हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स को और आप तक लेके आता है चीपेस्ट प्राइस अवेलेबल। आपको दिखाए गए फ्लाइट के प्राइसेस जैसे कि वेबसाइट्स होगी मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप या फिर ईज माई ट्रिप, या फिर आप डायरेक्टली बुक कर सकते हो एयरलाइन की वेबसाइट से जैसे कि होगी इंडिगो या स्पाइसजेट, या फिर आप डायरेक्टली बुक कर सकते हो वीगो से भी। फॉर होटल बुकिंग या आपको चॉइस दिखाएगा जैसे कि होगी होम रेंटल्स जिसके लिए एयरबीएनबी, या फिर होटल चॉइसेस जैसे कि होगी आपकी booking.com, agoda.com या फिर makemytrip.com और भी बहुत सारी वेबसाइट्स। जो वीगो की नई ऐप है वो आपके लिए लेके आई है बहुत सारे नए फीचर्स जैसे कि होगी फन एक्टिविटीज और IRCTC की ट्रेन बुकिंग्स। वीगो की ऐप है वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लोडिंग ट्रैवल ऐप और ये तब काम आते हैं जब आपको बुक करने तो लास्ट मिनट बुकिंग्स या फिर इन लो कनेक्टिविटी एरियाज। तो वीगो की ऐप है वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो आप उसको अपडेट कर सकते हो एंड डिस्कवर द रियल वैल्यू ऑफ ट्रैवल विद वीगो। तो आज देखते हैं भाई कौन सी क्या टिकट लेते हैं। ज्यूरिख HB की टिकट चाहिए हमको, वैसे तो HB जाना है। तो ZVV 24 आवर टिकट लेंगे, देखियो कितने की है, सेकंड क्लास ले लेंगे। हाँ, अरे यार गरीबों वाले काम मत कर हाफ फेयर ले लूं नहीं ये क्या है, वन एडल्ट विदाउट हाफ फेयर वो नहीं ले रहे। स्टॉप स्टॉप बैक बैक कैंसिल कैंसिल कैंसिल। हमको एक बंदे ने बताया
कि आपको यही टिकट लेनी पड़ेगी क्योंकि आप अभी ज्यूरिख से बाहर हो। ज्यूरिख जो मेन है ना वो 110 में है और हम 121 में है, और अगर सिंगल जाने की लेते हैं तो हमको 7 फ्रैंक की पड़ेगी और आने की फिर 7 तो देनी पड़ेंगे, तो 14, और इसमें पूरा ज्यूरिख भी घूम लेंगे हम। अबे CHF, अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ओके। तो 100 का डाल दिया भाई, 8300 का नोट हम डाल रहे हैं। यू वांट टू कम लाइक दिस, 8000 का नोट डाल, 8300 का नोट डाल दिया भाई हमने। पंजाबी डाला इतना बड़ा नोट कभी तूने किसी मशीन में? ये ले ली भाई 24 आवर टिकट, अब पता नहीं भाई कहाँ कहाँ वह क्या वैलिड, और ये नोट निकले हैं भाई प्यारे प्यारे से, मज़ा ही आ गया भाई देख के। 10 और 20 का नोट, सबसे छोटा नोट यहाँ 10 का है। तो भाई आखिरकार टिकटें ले ली, ट्रेन भी एकदम से आ गई और हम पहुँच जाएंगे अराउंड 14 मिनट में सिर्फ मेन ज्यूरिख स्टेशन। सही है, वैसे यहाँ पे ना टिकट कहीं टैप वैप करनी ही होती, यहाँ पे सारा भरोसे का काम है। चेक करने वाला अगर आ गया तो कम से कम मेरे को लग रहा है 300-400 फ्रैंक का तो फाइन होगा यहाँ पे। जर्मनी में तो जैसे मैंने लिया ना मशीन पे, तो मैंने ना लैंग्वेज चेंज नहीं करी, मैंने देखा सबसे कम प्राइस किसका है, वो थी बच्चों वाली टिकट, मैंने वही ले ली। बैठ गया ट्रेन में, TT चेक करने आई, तब मैं दाढ़ी थी काफ़ी दाढ़ी थी बड़ी बड़ी, तो TT चेक करने आई, उसको इंग्लिश नहीं आती थी, टिकट देख के बोलती चिल्ड्रन, यू चिल्ड्रन, इतनी तेरी दाढ़ी है तू चिल्ड्रन है। मैंने कहा मुझे पता नहीं था, मुझे भाषा नहीं आती, बोली फाइन, मैं कहा नो फाइन, आई नो मनी, फिर बोली चल जो डिफरेंस है वो दे दे, मैंने डिफरेंस दे के मैं बच गया था, लेकिन लोगों का फाइन लगता है बहुत ज़्यादा, 60-70 यूरो 80 यूरो तक फाइन लग जाता है। भाई अब आ रहे हो तो इतना ब्योत तो रखो कि ट्रेन के टिकट खरीद पाओ, ठीक है। हम तो वो हम इतना टाइम इसलिए लगाया कि हम ऑप्शन देख रहे थे कि भाई क्या पता कोई बेटर ऑप्शन मिल जाए, और ना आखिर में हमने ले ली दो टिकट, कल दोपहर 12:21 तक वैलिड है, हम क्या करेंगे आज भी चले गए और आ भी जाएंगे, और इस टिकट से कल सुबह भी ज्यूरिख चले जाएंगे। सही है ना भाई? बिल्कुल, पर ना सिर्फ जाने जाने की मिल रही थी 7 फ्रैंक की, कोई सेंस नहीं है भाई। चलो आपको दिखाते हैं ज्यूरिख। ये हम पहुंच गए हैं भाई यूरोप की, कह सकते हो आप सबसे महंगी स्ट्रीट पे अगर आपको यहाँ पे शॉपिंग करनी है। दोनों तरफ से ट्रैम आ जा रही हैं, तीसरा एक रास्ता कट रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है भाई मेरे को तो स्विट्ज़रलैंड आके, मतलब अलग ही फीलिंग आ रही है। और ट्रैम आ गई भाई, मतलब ऐसे क्रॉस कर सकते हो आप कहीं से भी, जब तक ट्रैम नहीं आ रही है उसके आगे मत कूद जाना। पर Swiss passport. Yeah, they do. They're all vaccinated, you know. They don't have any mutations. They're totally nice. तो अभी जहाँ पे गए थे वहाँ से मतलब व्यू देखा था हमने, और मतलब कई जगह मिलेंगे ऐसी व्यूज वाली ना, और जो सबसे बेस्ट लगेगी वो आपको मैं रिकमेंड करूँगा और उसकी लोकेशन ढंग से बताऊँगा। ये मेरे को नॉर्मल लगी, क्या पता और भी जगह मिले। ये ज्यूरिख की अभी इसी स्ट्रीट पे दोबारा वॉक कर रहे हैं, और मैं इनको महंगा नहीं कहता, मतलब रोलेक्स वगैरह जितना भी है इनको महंगा नहीं कहता, क्योंकि इनका प्राइस तो इंडिया में भी सेम ही होगा, ठीक है थोड़ा बहुत यहाँ महंगा होगा, पर जो असली महंगाई दिखती है ना वो कॉस्ट ऑफ लिविंग से दिखती है, कि आपको ट्रैम राइड लेनी है तो कितने की पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो मतलब जो ब्रांडेड शोरूम्स है ये तो हर जगह ही महंगे होते हैं, मतलब उतना ही रेट होता है लगभग।
यहाँ पे हम आ गए हैं पराते प्लाज़ा, ये जो मतलब एरिया है, और यहाँ पे हैं सारे स्विट्जरलैंड के बड़े बड़े बैंक, और मतलब वही अमीरों की जगह है। पर यहाँ पे थोड़ा रंग बिरंगा का मामला नहीं है, जैसे पंजाबी कह रहा था ना, सारी बिल्डिंग्स मतलब ऐसी हैं, थोड़ी ब्राउन ब्राउन कलर की, दिखाता हूँ आपको। अभी तक देखो जो मैंने बिल्डिंग्स देखी है ना, सारी ऐसी ऐसे कलर में है, ब्राउन या फिर ग्रे टाइप। इनका चर्च भी ऐसा ही है, ब्राउन या फिर ग्रे टाइप, और टोपी है ग्रीन कलर की या फिर ब्राउन कलर की पहना देते हैं घरों को और चर्चेस को। तो भाई ये जो चर्च आपने देखी, इसकी एंट्रेंस फीस थी, और मतलब वैसे तो अपने आप को स्विट्जरलैंड वाले कहते हैं कि हम इतने अमीर हैं अमीर हैं, और मतलब चर्च के एंट्रेंस पे पैसे लगा दिए, तो काहे बात के अमीर हो भाई, कोई सेंस बन रही है? 400 रुपये के एंट्रेंस, वो भी चर्च में किसी रिलीजियस प्लेस में, तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है अमीर होने का भाई, 5-5 फिनैंक करके किससे कमा लोगे? तो यहाँ पे यही सिस्टम है भाई। तो यहाँ आ गए भाई लेक ज्यूरिक पे, इतनी खास नहीं लगी मेरे को, मैं भाई सच से बता देता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि स्विट्जरलैंड की हरी चीज़ अच्छी लगे, ये लेक इतनी खास नहीं है, पर ठीक है, आए हैं, धूप निकली हुई है, अच्छा है मेरे लिए। तो भाई वॉकिंग टूर सा कर रहे हैं, और हम शायद जाएंगे उस हिल पे, वहाँ से ड्रोन वगैरह उड़ाएंगे। तो दीवान कहता अपने दोस्त से, भाई पैदल चल के जाएंगे? तो कहता हाँ थोड़ा सा पैदल चल लेंगे, थोड़ा कुछ और ले लेंगे। दीवान कहता नहीं, हमको जाना है भाई बस ट्रेन या फिर कुछ चीज़ में जाना है हमको, हमको नहीं पता मेट्रो में जाना है किसी में भी जाना है, क्योंकि जो हमने पास लिया है वो पूरा वसूल करेंगे। तो कहता हाँ ठीक है, मैं तो भूल ही गया था। यहाँ पे चल रही है कुछ क्रिसमस की, पर यहाँ के अंदर जाने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए, वो हमारे पास है पर पता नहीं यार स्विस वाला चाहिए कौन सा चाहिए, तो अभी पहले खा लेते हैं कुछ और फिर अंदर जाएंगे। देखो इसके अंदर ऐसा कुछ चल रहा है। काम करता हूँ मैं इस वीडियो में, सिर्फ मैं डालूंगा कि हम कहाँ घूम रहे हैं नॉर्मल ज्यूरिख में, और एक वीडियो में बनाऊंगा हाउ एक्सपेंसिव इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड, कि सबसे एक्सपेंसिव सिटी कितनी एक्सपेंसिव है। एक बंदा भी हमारे साथ स्विस बंदा है और यहाँ पे नौकरी करते हैं, तो ये अपनी इनकम वगैरह भी बता देंगे, खर्चा भी बता देंगे, और यहाँ पे हम देखते हैं हमारा क्या खर्चा होता है। एक दो दिन कंबाइन करके डालूंगा मैं। यहाँ एक रेस्टोरेंट में आया, मैंने कहा दिमाग भाई ये किसकी जैकेट पे बैठ गया, ये हट जाओ, कोई आके मारेगा 100-200 फ्रैंक मांग लेगा। तो ये मतलब इन्होंने चेयर पे रख रखी है गर्म रखने के लिए, भाई मतलब क्या ही बताएं, क्या ही बताएं, क्या ही बताएं, 800 रुपए की ब्रेड दे रहे हैं वो तो ये सस्ता ये देखो भाई ऐसे ऐसे स्ट्रीट्स आती रहती हैं। और अब अलविंदर के दोस्त भी हमारे साथ, तो हम 4 जने घूम रहे हैं, तो अच्छा है यार ऐसे घूम रहे हैं इनके साथ, खाना वाना खा रहे हैं बस, मतलब ऐसे यार देखो यूरोप में जो सिटीज है ना वो ऐसी हैं घूमने के लिए, मतलब एज ए वॉकिंग टूर कर सकते हो आप, मतलब ऐसे एडवेंचर टाइप नहीं है यहाँ पे। तो देखते हैं आज क्या क्या मिलता है भाई, मज़ा आ रहा है मेरे को। तो भाई यहाँ का तो अभी 0 डिग्री हो रहा है टेम्परेचर, अराउंड 0 है, और मॉस्को का 0 डिग्री बहुत अंतर है भाई, मतलब दोनों में, यहाँ के 0 डिग्री में इतना ही लग रहा मेरे को, और मॉस्को के 0 डिग्री में तो भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चलती है, यहाँ पे हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। ये घूमते घुमाते हम एक और चर्च पे आ गए हैं, और इसकी एंट्रेंस फ्री है, तो अंदर चलते हैं। पर इसमें लिखा है फोटोग्राफी अलाउड नहीं, पर मैं थोड़ा बहुत बना के दिखाई दूंगा क्या जा रहा है इतना। तो सीक्रेट डोर ये है चर्च के ऊपर जाने का तो ये आ गए हम ऊपर, तो थोड़ा सा और ऊपर जाना है, ये मतलब ज्यूरिख का पैनोरमिक व्यू लेने के लिए है, और इसकी फीस है 5 फ्रैंक। इसमें कोई वो ज़्यादा नहीं लगी मेरे को, 400 रुपये पीटर्सबर्ग में इतना था, इससे ज़्यादा तो ग्लास टावर के लिए थे, फिर भी अच्छा ही है, मतलब सही है वो दिवांग मतलब 5 फ्रैंक देने के बाद भी इतनी मेहनत करवा रहे हैं, लिफ्ट लगा देते हैं गलाता टावर में, चलो लिफ्ट तो थी हाँ चढ़ने के, 700 दिए थे ना आपने भाई यहाँ पे ऊपर तो आ गए, पर ये जलाता से तो बहुत ही मतलब बेकार काम है इनका, तो इन्होंने सारे बंद कर रखे, बाहर नहीं जा सकते।
मजा नहीं आया, वर्थ नहीं है। अगर ऐसा 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 व्यू है तो फिर वर्थ नहीं है भाई, ऊपर आना, रहने दे, मत आना, बाहर से देख लेना। तो यहाँ पे हमको मिल गया ZFC ज्यूरिख फ्राइड चिकन। चलो भाई यहाँ से हमको ट्रेन लेनी है और ये हमको ऊपर लेके जाएगी, मतलब थोड़े हाई पे। देवांग ड्रोन उड़ाएगा तो ड्रोन से भी आपको दिखाएंगे कैसा आता है। क्यों देवांग उड़ाएगा, देखेंगे कैसे रूम से पता लगा मेरा ड्रोन ले लिया। तो भाई ये देखो ज्यूरिख की 24 आवर्स की टिकट है, 9 फ्रैंक की, तो हमको पड़ी है 13.80, मतलब 14 कह लो या फिर 9 इसको कह लो, तो 5 फ्रैंक में वहाँ से भी आ गए। पर आप ये ले सकते हो, फर्स्ट क्लास की कितने की है, फर्स्ट क्लास भाई बस में कौन सी फर्स्ट क्लास हो गई, समझ नहीं आया मेरे को। और हाफ फेयर ट्रैवल कार्ड मल्टी सिक्स सब कर दो, सब ले दे दे भाई 450 फ्रैंक, ये भी 5 कर दे। तो ये देखो भाई कितना मस्त सिस्टम है यहाँ पे, मतलब अगर आपको स्टेशन पे रुकना है तो इसको दबा देना, और मतलब वैसे तो टॉप पे तो रुकेगी आखिरकार। ये तो पहली बार देखा होगा तूने, देखा है पहले? नहीं देखा। हाँ चलो, तो भी भाई थोड़ी ठंड भी बढ़ गई है और हम अभी जा रहे हैं एक स्टेशन पे, फिर वहाँ से जाएंगे अलविंदर भाई के घर पे। यहाँ पे जंगल में आ गए थे हम बस ड्रोन वगैरह उड़ा के, और बड़ा मज़ा आ रहा है मेरे को तो। पर मतलब स्विट्जरलैंड से थोड़ी मेरे को ऐसा था बर्फ़ वाली उम्मीद थी, बर्फ़ यहाँ नहीं गिरी, सारी बर्फ़ लगता है रशिया में ही गिरती है। तो देखते हैं अभी आगे आके क्या होता है। अभी तो हो गए हैं शाम के 4 बज गए होंगे, 1 घंटे की सनलाइट तो मतलब चली गई है, 1 घंटे की बची होगी बस। अभी हम निकल चुके हैं भाई अलविंदर भाई के घर से, पिज़्ज़ा वगैरह खाया, मज़ा आया, पेट भर गया, और अब हम जा रहे हैं दोबारा सिटी सेंटर में। और देवांग ये तो यहीं रहते हैं तो जाते रहते हैं भाई, तो हमारे लिए तो नया ही होगा सब कुछ, लाइट वाइट लगी होगी। तो इनके घर से डायरेक्ट ट्रेन जाती है तो उसी का वेट कर रहे हैं। व्हाई आर यू लाफिंग, इट्स क्रेजी, यू आर जस्ट डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग, इट्स अमेजिंग। तो हम पहुंच गए वापस से मेन स्ट्रीट पे, ये है पेट्रो प्लाजा, क्या है ये पी से नाम है, पेट्रो प्लाजा नीचे ये लिखा है, पराधी प्लाज। हाँ पराधी प्लाज। तो ये अभी तो शोरूम्स वगैरह बंद हो गए यार, तो थोड़ी रौनक कम हो गई है, पर आई हैव सीन बेटर स्ट्रीट्स देन दिस, मैंने इससे अच्छी स्ट्रीट देखी है रशिया में, मॉस्को में, जो साइड में है गम उसका स्ट्रीट का मतलब मेरे को मुकाबला मिला नहीं आज तक। पर ये भी काफ़ी सुंदर है, पर अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मतलब मनुष्य से छा गई है, जैसे यहाँ पे कोई मर गया हो थोड़ा ऐसे लग रहा है। तो हम उनके घर से चले थे ज्यूरिख मेन स्टेशन के लिए, पर हम थोड़ा 3-4 स्टेशन आगे आ गए, और अब वॉक करते करते जाएंगे ज्यूरिख मेन स्टेशन तक इस स्ट्रीट से पूरा रात को। कितने आगे सी असी आ गया पराधी प्लाट्स, जिथे सब चीजें महंगिया इतने सारे जड़े भी है ना बैंक जड़े स्विट्जरलैंड स्विस बैंक्स दे ऑल राइट UBS एक और बैंक में नाम भूल गया। तो तुसी कढ़वा लिया अपने ब्लैक मनी? मैं तो जेबा भर गया थोड़ी दिया, जगह नहीं मेरे बैग च, मैं कढ़ाया नहीं ज्यादा कैश। अरे हाँ बता, सबसे बड़ा नोट कितने फ्रैंक का है? 1000। उसका कितना वैल्यू है? कितने हो गए भाई 1000 × 83 किलो 83,000 रुपए। तो मतलब अभी तेरे बैंक में जितने भी पैसे हो कितने नोटों में बन जाएंगे? That's a top secret, bro.
तो भाई बड़ी शांति आ रही स्ट्रीट पे, अब रात को हम आए हैं और हवा भी नहीं चल रही है तो ठंड भी कम लग रही है। वैसे तो मेरे को ठंड लगती नहीं है ठीक है तो हाँ, तो भाई अभी हम वापस जा रहे हैं। बस शायद आज की व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन स्विट्जरलैंड का कुछ ऐसा रहा कि मतलब सबसे महंगी सिटी में एक तो हम लैंड हो गए दुनिया की कुछ मतलब कोई किसी जगह जाके प्राइस पूछने की हिम्मत नहीं हुई भाई। और फिर मतलब वाइब्स मेरे को स्विट्जरलैंड, मतलब स्विट्जरलैंड जब दिमाग में आता है पहाड़ बर्फ, वो दोनों इस सिटी में नहीं दिखी। और दिसंबर का महीना है तो मतलब यहाँ पे बर्फ गिरी थी पर पिघल जाती है, यहाँ पे इतना वेदर नहीं जाता। मतलब अभी हम और जगह जाएंगे -10-12 होगा वहाँ पे। तो देखो भाई यहाँ पे भी लगे क्रिसमस मार्केट, कुछ ऐसी मार्केट होती है। घुमाऊंगा मैं आपको किसी और शहर में घुमा दूंगा, कुछ नहीं खाने पीने का ही होता है ज्यादातर। ये मेन स्टेशन है यहाँ का ज्यूरिख का, उस तरफ से मिलेगी हमको ट्रेन, क्योंकि मेरे को याद है ये गुड्डा ना इस तरफ लटका हुआ था जब आए थे, तो उस तरफ जाना है। उधर झूमर मतलब इतना ग्रैंड नहीं है ये स्टेशन भी, मतलब मैं सच बताता हूँ भाई व्लॉग में, जरूरी नहीं है कि स्विट्जरलैंड है तो सब कुछ ग्रैंड ही होगा, सब कुछ अच्छा ही दिखने में होगा, जरूरी नहीं होता। ये यहाँ पे फ्री वाईफाई है जैसे मैंने सुबह ही बताया था स्टेशन पे, और मतलब अगर ना होता तो हम शायद ही पहुँच पाते, क्योंकि 45 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, 45 तो हमारी जाते 42 से, तो ट्रेन चाहे जान लो उसका प्लेटफॉर्म ढूंढना फिर अलग मजबूरी है। लगा है बड़ा स्क्रीन पर पता नहीं, गूगल सबसे सही बताता है।